मुकाबले रुपए की कमजोरी बढ़ती ही चली जा रही है, लेकिन इसका सपोर्ट बुलियन मार्केट को मिलना चाहिए जो कि नहीं मिल रहा है। सोने चांदी की अगर बात की जाए, भारी गिरावट के साथ कारोबार 195 रुपए की गिरावट एमसीएक्स पर गोल्ड में दर्ज की जा रही है। और इसी के साथ सिल्वर की अगर बात की जाए, 845 यहां पर थोड़ी सी रिकवरी आई है, लेकिन फिर भी 845 रुपए की गिरावट के साथ ही 36,955 के स्तर यहां दिख रहे हैं। एनर्जी पैक की बात की जाए या फिर मेटल पैक की बात की जाए, हर तरफ से नॉन एग्री कमोडिटी में भारी पिटाई ही हो रही है। एग्री कमोडिटी में रेंज बाउंड कारोबार होता हुआ दिख रहा है। ऐसे में आपके लिए कमाई के मौके कहां पर है, ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं एंजल कमोडिटी के अनुज गुप्ता। अनुज, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले तो अगर बुलियन मार्केट की बात की जाए, जिस तरह से रुपए की गिरावट का एक सपोर्ट मिलना चाहिए लेकिन मिल नहीं रहा है, और काफी हद तक बुलियन मार्केट में पिटाई हो रही है गोल्ड और सिल्वर की, यहां पर अगर कोई स्ट्रैटेजी या कोई रणनीति अपनानी है तो क्या करना चाहिए? गुड आफ्टरनून। देखिए, गोल्ड सिल्वर में देखें तो भाव काफी नीचे आते हुए दिखाई दिए हैं। तो थोड़ी बात अगर हम आज टेक्निकल चार्ट पर देखें तो मार्केट ओवरसोल्ड जोन में आता हुआ दिखाई दिया है, और अगर हम कॉमेक्स में भी देखें तो भाव लोअर लेवल से रिकवर हुए हैं। करीबन अगर देखें तो $10 की रिकवरी यहां देखने को मिली है। हमें लगता है कि एक शॉर्ट कवरिंग यहां पर बन सकती है अगर हम सारे बेस मेटल या बुलियंस में देखें। तो हमें लगता है कि गोल्ड सिल्वर के अंदर इंट्राडे पर्सपेक्टिव से बाय इनिशिएट करना चाहिए। हमें लगता है कि गोल्ड में टारगेट करीबन 29,650 तक देखने को मिल सकता है, और अगर सिल्वर की बात करें तो हमें लगता है कि सिल्वर में अगेन 33,000 के ऊपर 33,200 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो गोल्ड और सिल्वर में इंट्राडे पर्सपेक्टिव से बाय इनिशिएट की जा सकती है। चलिए, तो गिरावट का रुझान गोल्ड और सिल्वर दोनों में बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है उन्हें इंट्राडे पर्सपेक्टिव। इसी के साथ एनर्जी पैक की अगर बात की जाए, अनुज, क्रूड में फिलहाल करंट लेवल्स को देखते हुए क्या किया जाए? और ये क्रूड में देखें तो यहाँ पर कंटिन्यूस एक सेलिंग प्रेशर बना हुआ है, और अगर हम देखें तो जो इन्वेंट्रीज हैं वो क्रूड की बढ़ी हैं, और रिक्स काउंट जो है वो क्रूड के बढ़ते हुए दिखाई दिए। तो सेलिंग प्रेशर क्रूड में हावी है। हमें लगता है कि क्रूड के अंदर सेलर राइज की स्ट्रेटेजी रहेगी। करीबन 4600 से लेकर 4420 के आसपास अगर भाव मिलते हैं तो बिकवाली करके चलें। हमें लगता है कि नीचे 4520-4500 तक के लेवल मिल सकते हैं, स्टॉप लॉस 4680 पे लगा सकते हैं। तो क्रूड के अंदर जो ट्रेंड है वो थोड़ा नेगेटिव है, बिकवाली करके ट्रेड किया जा सकता है। चलिए, तो कच्चे तेल में बिकवाली की राय। साथ ही अगर मेटल पैक की बात की जाए, आज के सत्र में यहां पर भी गिरावट ही दिख रही है। कॉपर पर अगर कोई स्ट्रैटेजी अपनानी है करंट लेवल्स पर, क्या बाइंग की जाए? और देखिए, बिल्कुल जैसा कि मैंने कहा कि बुलियंस के अंदर एक ओवरसोल्ड जोन आया, तो सेम वैसे ही अगर हम बेस मेटल की बात करें तो वहां पर भी भाव ऑलमोस्ट टेक्निकल चार्ट पे ओवरसोल्ड जोन में आते हुए दिखाई दिए हैं। हमें लगता है कि टेक्निकल पर्सपेक्टिव से कॉपर के अंदर बाय इनिशिएट कर सकते हैं। इवन अगर हम सभी बेस मेटल की बात करें तो इंट्राडे पर्सपेक्टिव से बाय इनिशिएट की जा सकती है। कॉपर के अंदर टारगेट करीबन 412 तक हो सकता है, स्टॉप लॉस 400 पे लगा सकते हैं। जी बिल्कुल, तो क्लियरली अगस्त कॉन्ट्रैक्ट कॉपर में आप बाय कॉल इनिशिएट करके चल सकते हैं। 412 के टारगेट के लिए 400 यहां पर एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एग्री कमोडिटी की। एग्री कमोडिटी में अनुज, अगर गुआर की बात की जाए, आज जिस तरह से यहां पर कारोबार होता हुआ दिख रहा है, वैसे तो एक दायरे में ही है यहां पर भी कारोबार करंट लेवल्स पर। इनफैक्ट गुआर में 112 अंकों की तेजी है, 4,580 के स्तर है। यहां पर आपकी राय क्या रहेगी? ग्वार के अंदर देखें तो फंडामेंटल फैक्टर सपोर्टिव हैं, चाहे यहाँ पर बारिश कम देखने को मिली हो या फिर जो प्रोडक्शन है उसमें कुछ कमी देखने को मिली हो, साथ में जो ग्वार कम की डिमांड है वो बढ़ती हुई दिखाई दी है। तो हमें लगता है कि सारे ही फैक्टर भी पॉजिटिव एनर्जी शो कर रहे हैं। हमें लगता है कि ग्वार सीट ग्वार कम के अंदर बाय करना चाहिए। इनिशियली ग्वार सीट के अंदर जो टारगेट है करीबन 4,450 तक देखने को मिल सकता है। ओके, करंट लेवल्स पर चने पर आपकी राय क्या रहेगी? और देखिए, चने के अंदर भी हमने ट्रेंड पॉजिटिव देखा है, तो ट्रेंड के साथ ही जाना पसंद करेंगे। हमें लगता है कि चने के अंदर बाय इनिशिएट की जा सकती है, टारगेट जल्दी ही करीबन 4,400 तक देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल। साथ ही अनुज, अगर रुपए की कमजोरी की बात की जाए तो सोयाबीन के एक्सपोर्ट्स में काफी हद तक बढ़त देखी जा सकती है, और कमजोरी रुपए की कमजोरी का फायदा यहां पर सोयाबीन को होता हुआ दिख सकता है। करंट लेवल्स पर सोयाबीन पर क्या कोई बाय कॉल इनिशिएट किया जा सकता है? और देखिए, एडिबल ऑयल्स में मुझे लगता है कि ट्रेंड थोड़ा पॉजिटिव रहेगा, और इंडियन रुपीज की जो कमजोरी है वो यहाँ पर सपोर्टिव रहेगी। तो हमें लगता है कि सोयाबीन के अंदर बाय इनिशिएट की जा सकती है, ऊपर टारगेट करीबन 3400 रुपए तक देखने को मिल सकता है। जी, और अंत में जीरा पर आपकी स्ट्रैटेजी जानना चाहूंगी। जीरे के अंदर देखें तो मार्केट ओवरबॉट जोन में है, एक सेलिंग प्रेशर यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है। हमें लगता है कि जीरे के अंदर कुछ बिकवाली देखने को मिल सकती है, तो शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से बिकवाली करके चल सकते हैं। टारगेट नीचे करीबन 19,300 तक देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल अनुज, तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। तो क्लियरली यहाँ पर अगर नॉन एग्री कमोडिटी की बात की जाए तो गिरावट का रुझान देखने को मिल रहा है, साथ ही एग्री कमोडिटी में एक रेंज बाउंड कारोबार है, लेकिन गुआर में खरीदारी का ही स्तर हम देख रहे हैं।